मेरा नाम डॉक्टर हुमायूं बिन इरफान है। मैं बहरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट फिजिशियन काम कर रहा हूँ। आज की वीडियो हमारी ट्यूबरक्लोसिस डे यानी टीबी के आलमी दिन के मुनासबत से है। जैसे कि आप जानते हैं कि दुनिया भर में टीबी का एक आलमी दिन मनाया जा रहा है। टीबी जिसे उर्दू में तपेदिक भी कहा जाता है। पाकिस्तान में तकरीबन हर साल 5,10,000 लोग ट्यूबरक्लोसिस से मुतासर होते हैं, जिसमें से 15,000 लोगों में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट यानी ख़तरनाक वाली टीबी पाई जाती है, जिसमें फेफड़ों की टीबी, आंतों की टीबी, दिमाग की टीबी और हड्डियों की टीबी ज़्यादा कॉमन है। सबसे ज़्यादा जो कॉमन टीबी है वो फेफड़ों की टीबी है। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एक जरासीम है जो ये टीबी करवाता है। इसकी अलामत में सांस का फूलना, लंबे अरसे तक खांसी का चलना, हल्का बुखार रहना, जिस्म का थका थका रहना और ठंडे पसीने आना। अगर किसी को आंतों की टीबी है तो उसके सिम्टम्स अलग होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसे कभी पेचिश का होना, उसे दस्त आना, जिस्म का थका थका रहना, बुखार होना, हड्डियों में दर्द होना। इसके अलावा हड्डियों के टीबी के अलग सिम्टम्स और दिमागी टीबी के अलग सिम्टम्स होंगे। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि टीबी से गरीबों का मर्ज़ है, हालांकि ऐसा नहीं है। हर क्लास में इसके केसेस पाए जाते हैं और इसकी रोकथाम के लिए ज़रूरी ये है कि अगर किसी को टीबी है तो उसका प्रॉपर ख्याल रखा जाए, उसको दवाएं पाबंदी से दी जाएं, डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी, डॉट थेरेपी जिसे कहते हैं, कि मरीज़ को खुद दवा दी जाए ताकि दवा ज़ाया ना हो। मींस उसकी टाइमिंग प्रॉपर हो और उसको प्रॉपर डाइट दी जाए, उसको मल्टी विटामिन दिए जाएँ ताकि उसके अंदर जिस्म में कमज़ोरी ना हो। दूसरी चीज़, एक चीज़ ये देखी गई है कि प्रेगनेंसी में लोग इसका इलाज नहीं कराते या छोटे बच्चों में इसका इलाज नहीं कराते। हालांकि प्रेगनेंसी में इसका इलाज फौरन कराना चाहिए, ये माँ और बच्चा दोनों के लिए मुफीद है। इसके साथ अगर किसी छोटे बच्चे को टीबी हो जाती है तो लोग उसका इलाज नहीं कराते, उसका इलाज भी फौरन स्टार्ट कराना चाहिए ताकि उसे आगे ज़िंदगी में मसाइल ना आए और इसका बर वक्त इलाज हो सके। एक ये चीज़ देखी गई है, हमारे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब बच्चे का इलाज तो हो गया लेकिन हमने अपने ख़ानदान में नहीं बताया इसका। ये एक बहुत गलत चीज़ है। इससे क्या होता है, अगर आप ख़ानदान में या दूसरे लोगों को नहीं बताते तो वो चीज़ जब लोग आके मिलते हैं तो ये टीबी फैलने का ख़तरा होता है उससे, और टीबी फैलती है तो इसकी तेज़ी से ये फैलती है, दूसरे लोगों को लगती है ये। तो अगर इस चीज़ पर हम लोगों को बताएँगे तो लोग उससे प्रिकॉशन लेंगे और इसे मज़ीद फैलने से रोका जा सके। आखिर में मैं ये कहूँगा, अगर आप में से किसी में इस किस्म की कोई अलामत पाई जाती हैं तो फौरन अपने करीबी मालिज से रुजू करें ताकि इसकी बरवक्त तशखीस और इलाज किया जा सके, क्योंकि टीबी एक काबिले इलाज मर्ज़ है। इसे छुपाने से बेहतर है इसकी तशखीस और प्रॉपर इलाज किया जाए ताकि इसे फैलने से रोका जाए। शुक्रिया।